अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट द सोशियोलॉजी सेशन चैप्टर नंबर 6 भारत के बुनियादी समाजी इदारे, जिसमें हमने पिछले सेशन में शादी का इदारा, शादी के मानी, शादी के मकासिद, शादी की किस्में और शादी की किस्मों में हमने यकजोजी शादी, कसीरुल अजवाज शादी, कसीरुल जोजा, ख्वारी शादी, तमाम शादी की किस्मों के मुतालिक फहमाइश हासिल की थी। आज का हमारा टॉपिक है शरीके हयात पसंद करने वाले इहाते, यानी के मियार, लगन साथी पसंदगीना क्षेत्रों, शरीके हयात पसंद करना हम सफ़र। पसंद करने के अलग अलग इहाते होते हैं, मियार होते हैं, उनके क्षेत्र होते हैं। हर समाज में शरीके हयात पसंद करने के लिए फ़र्द को दी जाने वाली आज़ादी महदूद होती है। आप ये सब समझ जानते होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, कि शरीके हयात पसंद करने के आज़ादी महदूद होती है, पसंद करने वाले इहाते महदूद होते हैं, यानी कि अपनी अपनी जमात में शादी करना, अपने अपने रिलेशनशिप में शादी कर सकते हैं। तो हर समाज में क्या होता है, अलग अलग तरीके से हर समाज में शरीके हयात पसंद करने वाले के लिए फ़र्द को दी जाने वाली आज़ादी महदूद होती है। कौन किससे शादी कर सकता है और कौन किससे शादी नहीं कर सकता, इस मामले में हर समाज में अलग अलग मियार होते हैं। उसके ज़रिए ही रफ़ीक हयात यानी के शरीक हयात पसंद करने के इहाते तय होते हैं। उसके ज़रिए ही शरीक हयात पसंद करने के तरीके में मियार होते हैं, रस्म व रिवाज, इहाते और मियार के ज़रिए समाज में रफ़ीक हयात को यानी शरीक हयात को पसंद करने का इख्तियार रखता है। आपके घर, आपके समाज और आपके रिलेशनशिप में भी ऐसा होता होगा कि किससे शादी कर सकते हैं, किससे शादी नहीं कर सकते, कौन सी जमात में शादी कर सकते हैं, कौन सी जमात से रिलेशन नहीं रख सकते, ये तमाम अपने अपने समाज के अलग अलग अपने अपने रस्म व रिवाज होते हैं, जिसे शरीके हयात पसंद करने वाले इहाते कहते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि समाज के रस्म व रिवाज के इहाते के मुताबिक कौन कौन से इख्तियार रखते हैं। सबसे पहले है दाखली शादी, अंतः लगन, दूसरा है बैरूनी शादी, तीसरा है बराबर की ज़ात या फिर कम रुतबा ज़ात या फिर आला रुतबा ज़ात शादियाँ। ये तीन पॉइंट हमें याद रखने हैं। सबसे पहला दाखली शादी, दूसरा बैरूनी शादी और तीसरा बराबर की ज़ात या कम रुतबा या आला रुतबा शादी। सबसे पहले हम देखते हैं दाखली शादी। जिस शादी में जमात के रिवाज के मुताबिक फ़र्द को ख़ुद की ही जमात या गुरों में से ही रफ़ी के हयात या शरी के हयात को पसंद करना पड़ता है, जिस जमात के अफराद के दरमियान शादी के ताल्लुकात बांधे जा सकते हैं, उस जमात को दाखले शादी या गुरु कहते हैं। क्या बता रहा है दाखले शादी की तारीफ में, कि जिस समाज में या जिस जमात में या जिस ग्रोह में उनका रिवाज ऐसा हो कि रिवाज के मुताबिक ख़ुद की ही जमात में शादी करनी पड़ती हो या रफ़ीक हयात को पसंद करना पड़ता है, जिस जमात के अफराद के दरमियान ताल्लुकात शादी के ताल्लुकात बांधे जा सकते हो, उस जमात को दाखली शादी ग्रोह कहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी जमातें होती हैं जिसमें
जमात के अंदर ही अपने रिश्तेदारों के अंदर ही शादी के ताल्लुकात बांधे जा सकते हैं। ये रिवाज हिंदू समाज में भी है, मुस्लिम समाज में भी देखा जाता है, ईसाई समाज में भी देखा जा सकता है, जहाँ पर अपनी ही जमात के लोगों के साथ शादी करते हैं, शादी के ताल्लुकात बांधते हैं। हिंदू समाज में के मुताबिक रफ़ीक़े हयात को पसंद करने की खुद की ही ज़ात या ज़िमनी ज़ात में से होती है। भारत के दूसरे मजहबी गुरुओं में भी यही रिवायत जारी है। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, बैरूनी शादी। बैरूनी शादी का उसूल बुनियादी तौर पर करीबी रिश्तेदारों के दरमियान शादी के ताल्लुक पर पाबंदी लगाता है। दाखिली शादी के बिल्कुल अपोजिट है बैरूनी शादी। दाखिली शादी में अपने ही जमात के ग्रोह के अंदर शादी करनी पड़ती है, और बैरूनी शादी के अंदर अपने करीबी रिश्तेदारों के दरमियान शादी के ताल्लुकात पर पाबंदी लगाता है। मिसाल के तौर पर करीबी भाई, बहन, खून के रिश्ते में आने वाले रिश्तेदार, यानी कि बड़े पापा का लड़का लड़की या चाचा का लड़का लड़की वगैरह, यानी खून के रिश्तों में आने वाले रिश्तेदार के साथ शादी नहीं हो सकती। इसके मुताबिक अलग अलग उसूल उनके राइज होते हैं। उसके बाद हमारा यह तीसरा पॉइंट है, बराबर की ज़ात, कम रुतबा ज़ात और आला रुतबा ज़ात के साथ शादियाँ या शादी। मसावी दर्जा रखने वाले या खुद ही के ग्रोह के ज़ात पात पे से रफ़ीक हयात पसंद करे तब उसे बराबर की ज़ात की शादी कहेंगे। क्या बराबर बता रहा है कि मसावी दर्जा रखने वाले, यानी कि लड़की और लड़के की ज़ात, दोनों की जो ज़ात होंगी, जो जमात होंगी, वो बराबर का दर्जा रखती हो तो वो क्या कहलाएंगी, बराबर की ज़ात शादी कहेंगे। दूसरी तरफ ऊंची ज़ात का मर्द या ऊंची ज़ात की ऊंची जमात का वर्ण का मर्द हो और अपने से कम रुतबे वाली वर्ण में से रफ़ी के हयात पसंद करे तो उसे कम रुतबा ज़ात कहते हैं। यानी कि ऊंची ज़ात हो, ऊंची जमात हो, ऊंची ज़ात का लड़का अपनी नीची ज़ात की लड़की के साथ शादी के बंधन जोड़ता है तो उसे कम रुतबा ज़ात शादी कहते हैं। उसके बाद जब ऊंची ज़ात की औरत अपने से कम रुतबे या कम ज़ात या कम वर्ण वाले मर्द को अपना जीवन साथी चुनती हैं तब उसे आला रुतबा शादी कहते हैं। यानी कि मसावी दर्जा रखते हो, दोनों सेम जमात के हो, सेम ज़ात के हो, तो उसे बराबर की ज़ात, और अगर ऊंची ज़ात का लड़का हो और नीची ज़ात की लड़की से शादी करता है तो उसे कम रुतबा ज़ात। उसी की तरह सेम है कि ऊंची ज़ात की लड़की हो और नीची ज़ात का लड़का हो तो उसे आला रुतबा शादी कहते हैं। इसी तरह आज का हमारा टॉपिक बहुत ही छोटा सा था और उसमें तीन पॉइंट हमें सिर्फ याद रखने हैं कि शरीक हयात पसंद करने वाले इहाते, जिसमें हर समाज में अलग अलग शरीक हयात पसंद करने के उसूल होते हैं, आज़ादी महदूद तौर पर आज़ादी मिलती है, अलग अलग रस्म और रिवाज होते हैं कि किससे शादी कर सकते हैं, किससे शादी नहीं कर सकते। शरीक हयात पसंद करने के भी इहाते में तीन इहाते बताए गए हैं, पहला दाखिली शादी, दूसरा बैरूनी शादी और तीसरा बराबर की ज़ात, कम रुतबा और आला ज़ात की शादी। दाखिली शादी में इतनी बात याद रखनी है कि खुद की ही जमात में से शरीक हयात पसंद करना पड़ता है, खुद के ही रिश्तेदारों के दरमियान शादी के ताल्लुकात बांधने पड़ते हैं। बैरूनी शादी अपने खून के और अपने करीबी रिश्तेदार के साथ ताल्लुक जोड़ने में पाबंदी होती है, यानी खून के रिश्तेदारों के साथ शादी नहीं कर सकते। और तीसरा पॉइंट हमने देखा कि बराबर की ज़ात, कम रुतबा ज़ात और आला रुतबा ज़ात की शादियाँ
कैसी होती है।